नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार, मतलब कि बम्पर पैदावार हर कोई लेना चाहता है, मैं भी लेना चाहता हूं। बम्पर पैदावार लेने के लिए हमें अपनी धान की फसल वैरायटी के बारे में कुछ बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। रुपाई के बाद कई स्टेजेस होती हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई खरपतवार नाशक दवाइयाँ मारने के बाद भी कुछ खरपतवार जो है ना बाद में उग जाते हैं, बच जाते हैं। कारण कोई भी हो सकता है, या लेबर ने लेट लगाया हो, या कोई और बात हो सकती है, पानी ऊंचा नीचा हो गया हो, ज़मीन ऊंची नीची हो। 7 दिन के बाद मैं ये कह रहा था कि कई स्टेजेस होती हैं। 7 दिन के बाद फुटाव शुरू होकर 1 महीने तक होता रहता है, फिर पौधा लंबाई खींचता है, फिर पेनिकल मतलब एक छोटा सा बेबी सिट्टा बाली ईयर हेड तने के अंदर जड़ से थोड़ा ऊपर बढ़ना शुरू होता है, फिर उसके बाद फ्लावरिंग स्टेज आती है, फिर ये सिट्टा बाहर बाली बाहर आती है। अब मैंने ये जो फसल आपको दिखा रहा हूँ इसके ऊपर, जब ये फसल मेरी 12-15 दिन की थी तो मैंने इसके ऊपर नोमिनी गोल्ड का स्प्रे किया था, जो खरपतवार नाशक है, पोस्ट एमरजेंस है। उगने के बाद देख रहे हो आप, ये यहाँ पर इसने सावक के पौधों को मार दिया है। आपने एक काम तो ये भी करना है, अगर बीच बीच में कहीं पर आपको पौधे दिख रहे हैं, लेबर से तो हम निकलवा सकते हैं, लेकिन आप नोमिनी गोल्ड का स्प्रे करके भी आप इसको मार सकते हो। करना क्या है कि जब आप स्प्रे करो तो पानी नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी सावक भी देखो जी मर सकती है, आप देख रहे हो, ठीक है जी। तो हमने एक बात का ध्यान रखना है कि हर एक स्टेज पर कौन सी खाद, कौन से न्यूट्रिएंट्स, कौन सी दवा डालनी है और कितनी डालनी है, ये सारा कुछ हमारे पौधे की ज़रूरत पर डिपेंड करता है। आज की मेरी वीडियो ना इसी के ऊपर डिस्कस करूँगा कि खरपतवार नाशक तो चलो मैंने बता दिया, तो 20 दिन से 45 दिन तक हम अपनी फसल में क्या क्या ध्यान रख सकते हैं। यूरिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिंक, मैग्नीशियम, फेरस, मैंगनीज, पोटाश कब और कितनी देनी है, पानी की मैनेजमेंट पर भी बात करेंगे, 20 से 45 दिन की फसल पर क्या क्या करना है। ये जो आप चार्ट देख रहे हो, यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने ये ट्रांसप्लांटिंग करी, ये फिर टिलरिंग हो जाती है, फुटाव होता है, बढ़वार होता है, फिर उसके बाद पौधा जो है ना थोड़ा लंबाई खींचना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं इंटरनोड इलोंगेशन। भले हमने जो यूरिया देनी है, जो बढ़वार होती है, फुटाव होता है, कल्ले होते हैं, वो इसी पीरियड में होते हैं। जो भी यूरिया देनी है हमने, जिंक देनी है, मैंगनीज देनी है, जो कुछ भी देना है ये सारा इसी स्टेज पर देना है। और ये स्टेज जो है, ये स्टेज यहाँ पर आप देख रहे हो, एक ये रिप्रोडक्टिव फेस है, फिर ये राइपनिंग फेस है। जब सिट्टा बाहर निकल आता है, यहाँ पर पौधे में सिट्टा बाहर निकल आता है, तो लगभग ये 30 दिन लेता है पकने में, ठीक है जी। और ये सिट्टा बाहर निकलने से 35 दिन पहले इसका रिप्रोडक्टिव फेस शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 60-65 दिन का एक ये समय होता है जब जो है ये रिप्रोडक्टिव फेस शुरू हो जाता है। हमने जो खाद पानी जो कुछ भी देना है तत्व देने हैं, वो इससे पहले पहले देने हैं इधर देने हैं, ठीक है जी। 60 दिन पहले मतलब कि जब तक 30-32 दिन तक हमने 1500 वैरायटी में उसकी इंटरनोड इलोंगेशन, ये वाली स्टेज जो है वो 30-32 दिन पे आ जाती है। 1500 में तो हमने ये 30-32 दिन में सारी यूरिया और जिंक जो कुछ भी देना है हमने वो पहले दे देना है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है। और मान लो अगर हमने PR 114 लगा रखी है, जो 114 दिन लेती है पकने में, तो उससे मान लो 60 दिन हम कम कर दें तो ये लोग हो गए 55 दिन, तो ये इंटरनोड इलोंगेशन जो है वो 55 दिन पर आएगी। तो हमने PR 14 में जो कुछ भी देना है वो 45-50 दिन तक हम यूरिया दे सकते हैं, इस चार्ट से ये हमें क्लियर होता है। तो मेरी आज की वीडियो जो है ना सारी इसी बेस पर रहेगी, फिर 20 से लेके 45 दिन तक हमने अपनी फसल में क्या क्या करना है। आज इस वीडियो में आपको भरपूर कल्लों, फुटाव, बढ़वार का अपना पेट फार्मूला भी बनाऊंगा, जो सस्ता है, सुंदर, मजबूत, स्वस्थ और टिकाऊ है। जिसने भी एक बार किया तो बार बार किया, रिजल्ट पाया है, बम्पर पैदावार पाई है। अब खादें हमें कब कब देनी है, इसके बाद 7 दिन के बाद यहाँ पर ये हमारा थोड़ा सा फुटाव शुरू हो जाता है, फिर ये टिलरिंग स्टेज है। टिलरिंग फर्टिलाइजर मतलब कि मेनली यूरिया ही यहाँ पर है, और एक हमारे यहाँ पर हमने जिंक सल्फेट जो 33% होता है वो आपने 6 से 7 किलो आपने ज़रूर देना है। फिर एक आता है मैग्नीशियम सल्फेट, मैं हर अपनी वीडियो में कह रहा हूँ मैग्नीशियम सल्फेट भी हरियाली के लिए, इसकी फोटोसिंथेसिस के लिए, बढ़वार के लिए बहुत ज़रूरी है। मैग्नीशियम सल्फेट सस्ता होता है, 22.5 रुपये किलो इफ्को से मिल रहा है, 5 किलो के करीब आप ये भी डाल दो। फिर उसके बाद एक आता है लोहा, फेरस है जी, हाँ जी, तो ये भी आप 2 से 5 किलो ये भी आप डाल सकते हैं। ये सब कुछ आपने टिलरिंग स्टेज पे डालना है,
आप मिला के डाल सकते हो, यूरिया के साथ मिला के भी डाल सकते हो। शुरू में आपने यूरिया देनी है कम, वो आपने दे दी होगी। अब 20 से 45 दिन पे, 21 दिन पर आपने एक बैग आप यूरिया का दे दो, PR 114 है तो उसके बाद आपने 40-45 दिन पर यहाँ पर एक बैग फिर दे देना, ठीक है जी। अगर 1509 है तो 30 से 32 दिन के अंदर अंदर आपने सारी यूरिया दे देनी है। अब ये जो बूटिंग स्टेज है, ये वाली बूटिंग स्टेज, जब टिल्डरिंग हो जाती है तो फुटाव हो रहा होता है, तो इस समय हमारे को ये जो मैंने आपको जिंक, मैग्नीशियम और फेरस बताया, ये तो आपने ज़रूर डालना है। लास्ट यूरिया हमने कब डालनी है? लास्ट यूरिया जो है पकने से 60-65 दिन पहले ही डाल देनी है। अब थोड़ी सी बात मैं इस स्टेज की भी कर लेता हूँ। जब हमारे सिट्टे बाहर निकलने होते हैं, गब्बे में होती है फसल, तो इस समय हमारे को फास्फोरस की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है और पोटाश की भी ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारे सिट्टे लंबे होते हैं। ये चलो हम अगली वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि 20 से 45 दिन पर हमारे को क्या क्या करना है। कि हम नाइट्रोजन जो है ना, हम ज़्यादातर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं शुरू के 20 से 40 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और ये यहाँ पर फुटाव पे ज़्यादा काम करता है, लेकिन नाइट्रोजन की अब्जॉर्प्शन ज़रूरत जो होती है वो यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होती है। पेनिकल इनिशिएशन में पौधे को ज़रूरत होती है, वो यूज़ यहाँ पर करता है। अब जो यूरिया हम डालते हैं, आपको पता है 0 से 3 दिन में तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होती है, फिर उसके बाद जो है ना वो 14 दिन तक, जो हम आज हमने यूरिया दिया है वो 14 दिन तक पौधे को मिलती रहती है। यानी कि आज हमने दिया, आज उसका ख़त्म हो जाता है। तो एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यूरिया जब भी हम दें, ज़्यादा पानी खड़ा ना हो, और हो सके तो कम पानी में दें, और उसके 24 घंटे तक फिर आप पानी ना लगाएं, क्योंकि ये लीचिंग भी हो जाती है, पानी के साथ घुल के नीचे भी चली जाती है, रूट जोन से नीचे भी चली जाती है, तो उसका फ़ायदा नहीं होता। तो कम पानी में दें आप यूरिया। तो आज की मेरी इस वीडियो का निचोड़ भी निकाल देते हैं, कंक्लूज़न ये निकला कि जो वैरायटी ज़्यादा दिन लेती है उसको आखिरी यूरिया देर तक भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 3 वैरायटी ले रहा हूँ, PR 114 जो रुपाई के बाद 114 दिन लेती है, PR 126 जो 105 दिन लेती है, और 1509 या 1692 जो 90 दिन लेती है, ठीक है जी। अब PR 114 को पहली यूरिया जो है 12-14 दिन पर 30-35 किलो, दूसरी यूरिया जो 28 से 30 दिन पर 50 किलो, तीसरी यूरिया 45 से 50 दिन पर देनी है 50 किलो। PR 126 को ऐसे 10-12 दिन पर, 25 से 27 दिन पर, और 40 से 42 दिन पर पूरा बैग दे देना है। उसके बाद 1509 या 1692 की बात करता हूँ जो 90 दिन लेती है, पहली यूरिया आप 10-12 दिन पर दे दो, फिर दूसरी 20-22 दिन पर, आखिरी यूरिया 30-32 दिन पर पूरा कट्टा, ये 90 दिन लेती है। PR 126 105 दिन लेती है जैसे आपको पता है। अब आपको अपना वंडरफुल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला पेट फार्मूला बताता हूँ। आपने जिंक सल्फेट लेना है 33% वाला 6 से 7 किलो, जो लगभग 100 रुपये किलो मिल जाएगा आपको। आप फसल जो देख रहे हो लगभग 20-21 दिन की है, वैसे तो स्प्रे करते हैं, इसमें आप छट्टे से भी डाल सकते हो। स्प्रे की रिकमेंडेशंस भी आगे बताता हूँ। अगर आपने पहले जिंक डाल दिया, मान लो 4 किलो पहले डाल दिए, तो इस समय आप 3 किलो ले लो। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 ये 5-1 किलो डाल दो, 35 से 40 रुपये किलो मार्केट में मिलता है, इफको से 22.50 रुपये प्रति किलो मिल जाएगा। फिर डालना है फेरस सल्फेट 19% वाला, जिसको लोहा बोलते हैं, ये 2 से 5 किलो डाल सकते हो, 50 से 60 रुपये किलो मिल जाता है। एक चीज़ और डालनी है, वो ऑप्शन है आपकी, मैंगनीज सल्फेट MnSO4 बोलते हैं, वो 1 किलो तक डाल सकते हो, 100 से 120 रुपये प्रति किलो तक मिल। आपको अलग से सल्फर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी मैंने ये सल्फेट्स बताए हैं इनके अंदर 15% सल्फर होता है, तो अलग से सल्फर डालने की ज़रूरत नहीं है, सल्फर की पूर्ति यहीं से हो जाएगी। अगर आपकी फसल बड़ी होगी है, जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें आप स्प्रे कर सकते हो, पत्तों ने पूरा खेत भर दिया है, तो स्प्रे में आपने क्या डोज देनी है, जो जिंक सल्फेट है 33% वाला वो लेना है सिर्फ 700 ग्राम, फेरस सल्फेट लोहा लेना है 500 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 1 किलो, और MnSO4 मैंगनीज सल्फेट 250 ग्राम, साथ में 1 किलो यूरिया भी लेना है। तो इसकी कॉस्ट जो है ना लगभग 200 रुपये प्रति एकड़ से ज़्यादा नहीं आएगी। आप स्प्रे कर सकते हो तो बहुत 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 ही अच्छा, तुरंत रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, कल्ले बढ़वार पैदावार भरपूर मिलेगी। आपको मेरा ये प्रयास सार्थक नज़र आता हो, मेरी मेहनत सफल नज़र आती हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू जी।